एक्सरसाइज अगर गलती से भी गलत हो गई ना, जिंदगी भर के लिए एक्सरसाइज करने के लायक नहीं रहोगे। तो इसमें तो ट्रेनर की सबसे ज्यादा जरूरत है। पढ़ाई में हमारे नंबर कम ना आए इस वजह से हम क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हम खुद करते हैं। All right guys, what's up everybody? This is to Michael, come back to another video. So guys, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ एक फ्लिप्स का कोर्स। सो गाइस, ये वीडियो उस कोर्स का फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज एंड कुछ कंपलसरी एंड बेसिक एक्सरसाइज। तो गाइस देखो, फ्लिप सीखने के लिए हम लोग का बॉडी फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा तो आपका बॉडी कोई भी फ्लिप सीखने के लिए कंफर्टेबल होगा एंड आपका कोई भी फ्लिप सीखने के लिए इजी होगा, ठीक है। अगर आप इन एक्सरसाइज को नहीं करते हो एंड उसके एक्सरसाइज को किए बगैर आप फ्लिप ऐसे ही स्टार्ट कर देते हो तो गाइस आप लोग को इंजरी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। और गाइस अगर बाय चांस कुछ ऐसा इंजरी हो जाता है तो गाइस आप उसके बाद आप अच्छे से फ्लिप भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब एक्सरसाइज को जरूर करना है गाइस आप लोग को, कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखो, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ वैसे आप लोग सीखो, आप लोग जरूर और हमसे सीख जाओगे। तो गाइस अगर आप बिगिनर्स हो तो गाइस आपके लिए ये पूरा कोर्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस कोर्स का गाइस एक भी वीडियो मिस मत करना, ठीक है। उसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ठीक है। और गाइस अगर आपका कोई भी वीडियो मिस भी हो जाता है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्लिप्स कोर्स के नाम पर, आप सारा वीडियो देख सकते हो। और गाइस अगर आपको कोई भी फ्लिप सीखने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस इस वीडियो को मैं 3 स्टेप में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें कि भाई सबसे पहले स्टेप में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ वार्म अप एक्सरसाइज एंड सेकंड स्टेप में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज एंड थर्ड स्टेप में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बेसिक्स एंड कंपलसरी एक्सरसाइज जो कि गाइस आप लोगों को करना ही पड़ेगा, उसके बिना फ्लिप्स को नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसका थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज गाइस आप लोग को प्रैक्टिस से पहले करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस मत चालू करना। अगर आपका बॉडी वार्म अप नहीं रहेगा तो आपको इंजरी हो सकता है। बॉडी वार्म अप के लिए आप सबसे पहले कर सकते हो गाइस रनिंग। रनिंग गाइस आपके बॉडी को वार्म अप करने के साथ साथ आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिटनेस बढ़ाने में भी ये हेल्प करेगा आपका। एंड उसके साथ साथ गाइस आप स्किपिंग भी कर सकते हो, ये भी गाइस सेम आपका वार्म अप फिटनेस एंड गाइस आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी ये आपका हेल्प करेगा। उसके बाद गाइस आप कर सकते हो जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स गाइस कुछ इस तरीके से होता है, देख सकते हो मैं यहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी इस तरीके से करना होगा, ये होता है जंपिंग जैक। उसके बाद गाइस आप कर सकते हो आर्च जंप। आर्च जंप कैसे होता है गाइस देख सकते हो, यहाँ पर मेरा ऊपर की तरफ मैं जंप कर रहा हूँ एंड मेरा हाथ और पैर दोनों एकदम स्ट्रेट रह रहा है, इसको बोलते हैं आर्च जंप। यहाँ पर आपको कमर में बैंड रखना होता है, देख सकते हो यहाँ पर मेरा कमर बैंड है, तो ये गाइस कमर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आपका हेल्प करेगा। एंड उसके बाद गाइस आप कर सकते हो टक जंप। टक जंप में क्या होता है, आपको ऊपर जंप करना होता है एंड उसके बाद आपका नीज को फोल्ड करना होता है एंड दोनों हाथों को आपको कुछ इस तरीके से टक करके आपको नीचे आना होता है। ये चीज गाइस आप जब बैक फ्लिप सीखने जाओगे तब भी गाइस आपका ये काम आएगा। गाइस आप जब फ्लिप सीखोगे तो आपको गाइस फ्लिप सीखने टाइम आपका ये जंपिंग पावर्स को इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप वार्म अप एक्सरसाइज में कर सकते हो, जो मैंने बताया, मैं आप लोगों को खुद बहुत सारा वार्म अप एक्सरसाइज पता होगा तो आपने आपसे भी आप वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं 15 मिनट आपको बस वार्म अप एक्सरसाइज करना है। अगर अब आते हैं अपना पॉइंट नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जो कि बेसिकली स्पेशली आप लोगों का बॉडी को फ्लेक्सिबल करेगा एंड उसके साथ साथ आप फ्लिप्स के टाइम आप लोगों को इंजरी से बचाएगा। तो गाइस चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं अपना एक्सरसाइज की तरफ। गाइस सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसमें गाइस आपको कुछ इस तरीके से जमीन पे लेट जाना है एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अपने कमर को पीछे की तरफ बैंड करके कुछ इस तरीके से 1 एंड 2 कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये चीज आपको करना है। ये चीज आपका कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। बेसिकली जब हम लोग फ्लिप्स करते हैं, बेसिकली जब बैक हैंड स्प्रिंग करते हैं तो देख सकते हो पूरा कमर बैंड हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का कमर का फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग और फ्रंट हैंड स्प्रिंग को सीख सकते हो। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गाइस आप ये चीज़ भी कर सकते हो, आपको गाइस कुछ इस तरीके से कमर को आप एक बार आगे झुक सकते हो, एक बार पीछे की तरफ कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि हम लोग के लिए, बेसिकली जब हम लोग बैक हैंड स्प्रिंग करते हैं
बॉडी घूम के हमारा पूरा बॉडी का जो वेट है हमारे हाथों पे आता है, स्पेशली हम लोग के कलाई पे आता है, ठीक है। तो बैक एंड स्विंग की प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग का यहाँ पर रिस्ट पे दर्द करने लगता है तो स्टार्टिंग में, तो आप लोग को रिस्ट पर चोट लग सकता है, इंजुरी हो सकता है। उससे बचने के लिए हम लोग रिस्ट के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हाथों को पूरा इस तरीके से स्ट्रेट करना है। एंड गाइस अपने हाथों को कुछ इस तरीके से 1 2 एंड इस तरीके से गाइस घुमाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते आपको 20 करना है इस साइड, एंड जब आप इस साइड हो जाता है उल्टा साइड आपको करना है 1 2 3 4 5 ऐसे 20, तो आपको 2 सेट करना है। एंड उसके बाद जब ये हो जाता है, एंड उसके बाद आप एक हाथ पकड़ के भी कर सकते हो 1 2 3 ऐसे करके 20, एंड उल्टा साइड 1 2 3 ऐसे करके 20, सेम आप इस हाथ से भी करना है 1 2 ऐसे करके 20 एंड फिर उल्टा साइड ऐसे करके 20। आप ये चीज़ भी कर सकते हो, आपको हाथ को सामने रखना है एंड 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको 20 करना है। इससे क्या होगा, आपका जो रिस्ट है कलाई आपका मजबूत बनेगा। जब आप बैक हैंड स्विंग करोगे तो आपका हाथों पर प्रेशर आप झेल पाओगे, आपका हाथों पे दर्द नहीं होगा। जो कि मैं जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करता था तो मेरा रिस्ट पर बहुत ज़्यादा दर्द करता था, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ ना हो इसके लिए मैं ये एक्सरसाइज आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अपने हाथों में पावर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए गाइस आप पुशअप्स कर सकते हो, आप 20 या 30 पुशअप्स आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका हाथों में पावर आएगा एंड आप बैक हैंड स्प्रिंग या फ्रंट हैंड स्प्रिंग कोई फ्लिप को अच्छे से सीख पाओ। पर हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग काम होता है, तो यहाँ पर मैं सबका डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं सारा एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, आप लोग जस्ट देख लीजिए। अब आते हैं अपना थर्ड पॉइंट की तरफ, कंपलसरी एक्सरसाइज जो कि आपको करना ही है। कंपलसरी एक्सरसाइज में मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपको कंप्लीट करना है, इसके बिना फ्लिप को नहीं सीख सकते। तो गाइस सबसे पहले नंबर पे आता है गाइस आर्च। अब डायरेक्ट बताता हूँ कि आर्च कैसे करना है, क्योंकि बारिश आ गया, देख सकते हो आप लोग, जल्दी करना है। आर्च करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से जमीन पे लेट जाना है, अपने हाथों से पुश करके कुछ इस तरीके से आप आर्च को कर सकते हो। आप वॉल का सपोर्ट लेकर के कुछ इस तरीके से आर्च करना है एंड गाइस कुछ इस तरीके से आपको फिर से वापस आ जाना है। एंड गाइस उसके बाद आप स्टैंडिंग से आर्च ट्राई कर सकते हो। अब गाइस आते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि है गाइस हैंड स्टैंड गाइस। आप वॉल का सपोर्ट लेकर के कुछ इस तरीके से अपने हैंड स्टैंड का हाथों में बैलेंस ला सकते हो। बैक हैंड स्प्रिंग में पूरा फोर्स अपने हाथों पे आता है, तो गाइस आपका हाथों पे पावर और बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली हैंड स्टैंड आपका ये पावर और बैलेंस दोनों लाने में बहुत मदद करेगा। जिन लोगों को हैंड स्टैंड नहीं समझ में आएगा, हैंड स्टैंड का ऊपर पूरा मैं डिटेल में ट्यूटोरियल बना दूंगा। अब गाइस आते हैं गाइस अपना ब्रिज वॉकओवर भी आपको सीखना होता है। ब्रिज वॉकओवर सीखे बिना आप बैक हैंड स्प्रिंग को नहीं सीख पाओगे। ब्रिज वॉकओवर के ऊपर भी गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा पूरा डिटेल में। ब्रिज वॉकओवर के ऊपर ट्यूटोरियल इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसके बाद वाला वीडियो में हैंड स्टैंड के ऊपर ट्यूटोरियल आएगा। तो बाद 2 वीडियो गाइस आने वाला है। आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 20K होने वाला, जल्दी से गाइस सब्सक्राइब करो, लेट्स गो।